नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं एक बहुत ही सुंदर पाठ जिसका नाम है धर्म की आड़, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी स्पर्श भाग 1 के पाठ 5 से लिया गया है, जिसके लेखक है श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। हमारे पाठ धर्म की आड़ के लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी, क्योंकि ये क्या थे, आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, आज़ादी के लिए अलग जगाना चाहते थे। इन्होंने इसलिए रचनाएं बनाई अपनी और उनमें आज़ादी प्राप्त करने, संघर्ष करने के लिए बहुत कुछ लिखा, जिससे अंग्रेज सरकार और इनके जो पत्र थे, इनके जो अखबार थे, उनको भी वो बंद करवाना चाहते थे, क्योंकि अखबार में बहुत सारी ऐसी कविताएं छपती थी इनकी और उसमें आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ आता था। इसलिए अंग्रेज लोग चाहते थे कि इनका अखबार बंद हो जाए, इसलिए इनको बार बार जेल में भी डालती थी, लेकिन वह उनका अखबार बंद करवाना भी चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, यानी वहाँ इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए 1931 में। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि काश मुझे भी ऐसी मौत मिली होती उनकी बजाय। विद्यार्थी अपने जीवन में और जो गणेश शंकर विद्यार्थी है वो अपने जीवन में भी और लेखन में भी, मतलब स्वयं अपने जीवन में भी और लेखन में भी, लिखने की शैली में भी, वो गरीबों, किसानों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। यानी वो लिखने में भी और लोगों से भी बातें करते थे, तो गरीब लोगों के बारे में, मजदूर लोगों के बारे में, किसानों के बारे में लिखते भी थे और लोगों से उनके बारे में बातें भी करते थे, अपनी हमदर्दी दिखाते थे, उनको दया भाव उनके मन में था। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथ लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाले की वे जमकर खबर लेते थे, यानी जो आपसी भाईचारे को ख़त्म करने वाले लोग हैं, उनको लड़ाने बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको वो आड़े हाथ लेते थे, यानी कि उनके बारे में बिल्कुल कटु शब्द लिखते थे, कठोर शब्द लिखते थे उनके बारे में। इनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। इनकी जो भाषा थी वो सहज सरल तो थी, लेकिन वो बहुत मारक प्रभाव करने वाली है, प्रहार करने वाली, मतलब उससे ज़्यादा प्रभाव होता था। आगे पाठ के बारे में क्या है। धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर उनका स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। तो इस पाठ में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कुटिल चालों के माध्यम से दूसरों को लड़ाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं जन सामान्य को, और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यानी अपना उल्लू सीधा करते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में ही हो ऐसा नहीं है, मतलब केवल ये धर्म की आड़ में काम करने वाले कुटिल लोग हैं, ये गलत काम करने वाले, तो वो केवल हमारे देश में ही नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इनका खुलासा करते चलते हैं। तो चलिए ये सब इन पाठ में जानेंगे। तो चलिए प्रस्तुत है पाठ धर्म की आड़। लेखक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हुए कहते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम मतलब गूंज है, व्यापकता है, फैला हुआ है, यानी देश में धर्म ही फैला हुआ है, उसकी ही गूंज है। उत्पाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर,
और जीत की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। अगर कोई उत्पात किया जाता है यानी लड़ाई दंगे किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत की जाती है तो वो सब धर्म के नाम पर की जाती है, और जीत की जाती है कुछ तो वो भी सारी धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर। रमो और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ किसी भी धर्म समाज की बात करें तो किसी भी धर्म का हो समाज का हो, वो अपने धर्म के विषय में चाहे कुछ जाने या ना जाने, उनको पता ही मत हो चाहे, वो अपने धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी वो केवल धर्म के नाम पे ही उबल पड़ते हैं, गर्म हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा सुन लेते हैं तो उसके बारे में वो लड़ने बिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मरने मारने के लिए भी तैयार बैठे रहते हैं। तो देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता है, मतलब जो उबल पड़ता है ना व्यक्ति, उसका केवल इतना दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता है, धर्म के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं वो उधर जुत जाता है। मतलब जैसे हम बेलों को जोतते हैं ना, जिधर ले चलते हैं उधर वो चले जाते हैं, तो ऐसा ही इन लोगों का है। साधारण लोग जो है वो जिधर उनको जोत देते हैं उधर वो चल पड़ते हैं, लेकिन वो किसी एक मेन व्यक्ति के कहने पर ऐसा करते हैं और उनके कहने से इनका कोई फायदा नहीं है, ये तो केवल जूते जुताए हैं। फायदा किनका है? वो जो बोलने वाले लोग हैं तो वो अधिकतर इनसे काम निकलवा लेते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं, वो इसका दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि दुरुपयोग का मतलब होता है गलत उपयोग करना। तो जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिल के बल के आधार पर, जाहिल का मतलब होता है मूर्ख अनपढ़ गंवार, तो इस प्रकार के मूर्ख जाहिल अनपढ़ गंवार के बल पे यानी उनके आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। कोई भी एक मेन व्यक्ति समाज में होता है ऐसा जिनके कहने पर धर्म का ये काम किया जाता है, धर्म के बारे में लड़ाई दंगे किए जाते हैं, धर्म के दूसरे धर्म के प्रति गलत धारणाएं दूसरों के मन में बिठाई जाती है, तो ऐसा काम करने वाले केवल कुछ लोग होते हैं समाज में जो अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं बस और अपना नाम करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। अब वो क्या है, इन लोगों से सीधे साधे लोगों से ये काम निकलवाते हैं, उनको दूसरे लोगों को धर्म के नाम पर ईमान के नाम पर लड़ाते झगड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। और वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि कोई खलनायक अपने साथ में बहुत सारे गुंडे रखता है 10-15-20, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े तो वो नहीं करता है, कौन करता है काम, कौन करता है, गुंडे करते हैं सब, लड़ाई झगड़े मारना पीटना सब काम गुंडे करते हैं, चोरी चपाटी सारा काम गुंडे करते हैं। लेकिन नाम किसका होगा, उस एक मेन आदमी का जो विलन के नाम से है या खलनायक है, तो उसको अधिकतर वही करना रहता है, केवल लोगों को इसके बारे में बहकाना, दूसरों के बारे में बहकाना कि वो ऐसा है तो उसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। अब इस प्रकार से इस प्रकार के लोग हमारे समाज में भी उपस्थित हैं, तो वो उन लोगों के बारे में यहाँ लेखक ने कहा है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठ जाती है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब का मतलब होता है उचित। तो ये साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाती है कि, और बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम पर हमें उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देना चाहिए। ये बात उचित है, देना उचित है मतलब सही है, अपने प्राण तक दे देना उचित है यानी सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, साधारण आदमी बेचारा अपने धर्म के तत्वों को नहीं जानता है, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना मतलब एक काम अगर हो रहा है तो उसी को करना, कोई दूसरा काम नहीं करना। यानी आपने बहुत जगह देखा होगा कि
कि बहुत सारे मंदिर मस्जिद वगैरह जो भी है उनमें एक मान्यता धारणा बना दी जाती है लोगों के मन में, चाहे उसका कोई उद्देश्य मत हो, चाहे उसके बारे में कोई बात मत हो, लेकिन लोग देख लेते हैं वैसा करने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी जगह कुएं में या फिर बावड़ी में या कहीं भी सिक्के डाले जाते हैं पानी में, तो इसका अर्थ चाहे उनको नहीं पता है कि वो क्यों डाले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को देखे, देख अगर किसी एक व्यक्ति ने डाला है तो दूसरा भी आके डालेगा, तीसरा भी आके डालेगा, चौथा भी डालेगा, इस प्रकार वो चलती रहेगी। अब लोग किसी को ये पता नहीं है कि इसमें सिक्के डाले क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको डालते हैं बिना कुछ समझे। तो इसी प्रकार धर्म का भी, ये धर्म के तत्वों को उनको पता नहीं है, लेकिन उनकी आदत है लकीर पीटते रहना, यानी जो एक काम हो रहा है उसको करते रहना। वो अपना धर्म समझता है उस लकीर, मतलब जैसा ये करना कि हाँ ठीक है ऐसा लोग कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। लकीर पीटने का एक अर्थ होता है पुरानी जो परिपाटियाँ हैं उनको मानना, वो चली आ रही है उसको उसी प्रकार से घसीटते रहना। अब आगे देखते हैं, उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बहुत बेजा, बेजा नहीं अनुचित होता है, गलत होता है। तो इस अवस्था जो वो लोगों की अवस्था है, ये लकीर पीटते रहना, पुरानी परिपाटियों को मानते रहना और उनके अनुसार चलते रहना, इसकी वजह से जो चालाक लोग हैं समाज के वो इनका फायदा उठाते हैं, यानी अनुचित गलत फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम देशों में, पश्चिमी जो देश है उनमें धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। देखिए यहाँ अट्टालिकाएं का मतलब होता है वे ऊंची ऊंची इमारतें जो आकाश से बातें करती है, इमारतें भवन ऊंचे ऊंचे शानदार भवन अट्टालिकाएं कहलाती है। तो वे आकाशों से बात करती है, वो किनकी है, धनी लोगों की, और वो किनका मजाक उड़ाती है, गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का, गरीब मजदूरों की झोपड़ी का वो मजाक उड़ाती हुई आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, मतलब गरीबों की कमाई से ही जो धनी लोग हैं ना वो मोटे बनते हैं, खा खा के मोटे हो जाते हैं, और उसी के बल पे वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। मतलब वे हमेशा यही प्रयत्न करते हैं, यही आशा करते हैं कि ये गरीब लोग हैं हमेशा पीसे जाएं, चूसे जाएं, इनका ही शोषण होता रहे, ये वो हमेशा चाहते हैं, क्योंकि उनसे इनका उल्लू सीधा होता है। ये धनी लोग अपना पेट भरते तो बस गरीबों के दम पे। यह भयंकर अवस्था है, यह सबसे भयंकर अवस्था है। अब इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद मतलब जो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एक राजनीतिक सिद्धांत है, कम्युनिकेशन है। तो इसमें साम्यवाद के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है कार्ल मार्क्स ने समाज से पूंजीवाद को खत्म करके समाज के जितने भी जो अधिकार है वो सभी समाज के समान रूप से उनको बांटे जाए, उनको वितरित किए जाए, जो नहीं कि जो उत्पादन के ऊपर जो भी होता था उसके लिए सभी लोगों के उसमें फायदा हो, इसलिए उन्होंने साम्यवाद का जन्म हुआ। आगे देखते हैं, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। धनपति, धनपति मतलब पैसे वाले, धनाढ्य लोग, अधिक अमीर लोग। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। मतलब यहाँ धनपतियों का इतना जोर नहीं है, फिर भी यहाँ धर्म के नाम पर कुछ लोग, जो गिने चुने लोग हैं, वो अपने हीन स्वार्थ, मतलब उनकी हीन भावनाएं जो है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना खुद का उल्लू सीधा करने के लिए, खुद का भला कर चाहने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। जो करोड़ों व्यक्ति है, हीन व्यक्ति है, कमजोर है, नीच है, तो वो उनका स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यानी अपना मतलब पूरा करते हैं उनकी सहायता से। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मान, यहाँ है बुद्धि पर मार। देखिए गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, मतलब धनाढ्य का मतलब था अधिक अमीर,
और उनके द्वारा लोगों का शोषण करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन जितना बुरा ये है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ तो केवल धन की मार है लेवी, लेकिन यहाँ जो है लोगों की बुद्धि पर भी मार कर दी है इन्होंने। वहाँ तो केवल धन ही वो लूट रहे हैं, धन ही बना रहे हैं अपना, लेकिन यहाँ उन्होंने उनकी बुद्धि को भी कमजोर बना दिया है और उनके बुद्धि के ऊपर भी अपना सामर्थ्य स्थापित कर लिया है। तो आगे देखते हैं, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ थोड़ा धन लोगों को दिखा करके करोड़ों को वश में कर लिया जाता है और फिर उनसे मनमाना धन, जितना उनकी इच्छा चाहे, इतना मनमाना यानी जितनी उनकी इच्छा चाहे उतना वो धन उनसे वसूल लेते हैं, उतना ही उनसे काम करवा लिया जाता है, उन्हें जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। यहाँ है बुद्धि पर जो पर्दा डाल करके ईश्वर और आत्मा को स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लोगों को लड़ाना भिड़ाना, यही उनका धनाढ्य लोगों का काम होता है। सारे धनाढ्य लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ समाज में ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो समाज को बुरा बना देते हैं। धर्म के नाम पर बस गलत काम करना, कुकर्म करना, ये सब उनके उनकी शोभाएं होती है। तो यहाँ वो क्या करते हैं, बुद्धि पर, लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और ईश्वर और आत्मा को उनका स्थान दिला देते हैं और ईश्वर और आत्मा के बारे में उनको बहला फुसला करके उनसे धर्म, ईमान और ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वर्थ साधि के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ाते भिड़ाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइया देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और दूर आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत वर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। देखिए इसको दृढ़ता से हमें काम में लेना होगा कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते रहे और दिन दिन चिल्लाते रहे कि हम दीन हैं, गरीब हैं, दीन मतलब होता है गरीब, तो दीन दीन चिल्लाते रहे, अपने प्राणों की बाजियां वो खेलते रहे और थोड़े से अनियंत्रित हुए और दूरत आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं, यानी वो दूसरे का उल्लू सीधा करते हैं, धनाढ्य लोगों को और धनाढ्य बनाते रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर वो किए जाने वाले इस प्रकार के भीषण व्यापार मतलब जो लेन देन है उसके ऊपर रोक नहीं लगाते हैं और साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए, मतलब इसको रोका जाना चाहिए। जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष के में नित्य प्रति बढ़ाए जाने वाले लड़ाई झगड़े जो है वो कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, धर्म की उपासना का जो मार्ग है वो कहीं भी रुकावा ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे, मतलब धर्म और ईमान मन का सौदा है, हो मतलब मन से ही होना चाहिए धर्म ईमान, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने मन में ऐसी भावना, अपने प्रेम धर्म के प्रति प्रेम और भावना अपने मन में केवल जगाना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, केवल ईश्वर और आत्मा इन दोनों के बीच का ही संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊँचे उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने, मतलब वो किसी भी प्रकार से वो दूसरे लोगों के द्वारा न छीना जा सके, मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब जिस प्रकार का आपका मन चाहे उसी तरह का धर्म आप माने और दूसरों के मन चाहे उसी प्रकार का धर्म वह माने, दो भिन्न धर्म को मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो, यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के लिए स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, यानी हमें अपने आप और अपने देश के प्रति कृतज्ञ रहना है, हमारे समाज के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कार्य नहीं करना है।
और जैसा हमारा मन चाहता है वैसा ही हम माने, दूसरा जो चाहे उसके मन के अनुसार वो माने। हमें भिन्न धर्म को मानने वाले को बीच में नहीं टकराना चाहिए, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि धर्म के नाम पर धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते भी हों तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाए, ऐसा कानून होना चाहिए। देश के स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। मतलब देश में स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, यानी उसके लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही थी, तो उस समय वह दिन बहुत ही बुरा था। निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है इसमें कि वो दिन बुरा था जिस दिन स्वतंत्रता के लिए तैयार किए गए हमें। और जिस दिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्य को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, यानी कि समाज में ये जो व्यक्ति हैं इनको स्थान दिया गया जिसमें मौलवी है, मुल्ला है और धर्माचार्य है, इनको स्थान दिया जाना जिस दिन आवश्यक समझो, बहुत बुरा दिन था। जिस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था, मतलब हम स्वाधीनता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, उस समय एक कदम हमने हटकर पीछे रखा था, अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमने वो कदम पीछे रखा ना, उसका फल ही हमें आज भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय हम आगे नहीं बढ़े। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया है, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बड़ाई और इनकी और उनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद के राज्य स्थापित कर रही है। मतलब उस समय मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जो देश के सामने बहुत अपने धर्म के प्रति उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो उस समय लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि यही मेन आदमी है और इनके बारे में सोचा जाए। हमने उनको अपना मान लिया और शक्तिशाली बना दिया उनको इतना कि, और इस काम का ये फल हुआ कि इस समय हमारे हाथों में कुछ कुछ भी नहीं है, आज हम छोटे हैं बस, और हमने हमारे हाथों से ही उनको बढ़ाइयाँ दी और उन लोगों की शक्तियों को हमारी जड़ उखाड़ने के लिए और देश को मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद के राज्य स्थापित कर दिया है, जिसने आज महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान, धर्म को हर जगह स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, मतलब वो एक भी पग अपना, एक भी पांव आगे रखने के लिए तैयार नहीं होते जब तक धर्म की बात नहीं होती, तो वो धर्म को हर जगह लेते थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है, उनके मानने में किसे इतराज हो सकता है। मतलब वो धर्म को इस रूप में, जो जिस रूप में हम मानते हैं आज, जिस रूप में आज मानते चले आए हैं, जिस रूप में ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस रूप में वो धर्म को महात्मा गांधी जी ने नहीं माना, उन्होंने उसको दूसरे रूप में लिया। लोगों की सहायता करना ये धर्म है, अच्छा व्यवहार करना लोगों के साथ में ये भी धर्म है, इस प्रकार के उनके उच्च विचार थे और उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। लोगों ने सबने माने, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये भी धर्म है। तो ये उनका स्वरूप अलग है, उसका रूप अलग ही है। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। देखिए, अजा देने से, जो नमाज की अजा लगती है वो देने से, और शंख बजाने से, नाक दबाने से, ये सारे धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचारी धर्म के इस पर चिन्ह है। शुद्ध आचरण मतलब उत्तम आचरण, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ही उत्तम हो, शुद्ध हो। और सदाचार यानी सद यानी अच्छे, और आचार मतलब व्यवहार, अपना व्यवहार सबसे अच्छा हो, वही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है, वही धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, मतलब
2 घंटे तक बैठकर पूजा करिए और पंचवक्ता मतलब 5 बार की नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला एक समय कदापि नहीं टिकने देगा। मतलब यदि आप भगवान को इस प्रकार के रिश्वत देते हैं कि 2 घंटे उनके सामने बैठकर पूजा कर ली और या फिर उनके सामने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली और अपने आप को फ्री समझ लिया अपने की बस आज़ाद हो गए हैं और धर्म के नाम पे आप कुछ भी कर सकते, बेईमानी करेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, जो भी करना है वो गलत काम करेंगे, तो इसका इस धर्म को अब आगे नहीं रुकने दिया जाएगा, उसको ठहरने नहीं दिया जाएगा कदापि कभी भी। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाए, आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, आपके जो भला मानस है, आपका मन है, यानी सज्जनता है, शराफत है आपकी, उसको नहीं देखा जाएगा और उसकी कसौटी केवल आपका आचरण होगी। मतलब जो आपकी बल मानसता है, वो सज्जनता है, आपकी शराफत है, उसको केवल आपके केवल आचरण के द्वारा ही मानी जाएगी, उसके द्वारा ही आंकी जाएगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यानी अगर आपने ऐसा नहीं किया, सबके कल्याण के लिए इस दृष्टि से काम नहीं किया, अपना आचरण नहीं सुधारा, तो फिर आपको नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री पाठ वगैरह जो भी है, आपको देश के अन्य लोगों को आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पादों को कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यानी आप स्वयं भी एक दूरत रूप में सामने आएंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अच्छे, कहीं अधिक अच्छे और ऊँचे हैं। मतलब ऐसे धार्मिक व्यक्ति, दीनदार आदमी और वे लामजहब, जिनको मजहब से कोई मतलब नहीं है, नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। जो भगवान को मानते नहीं है वो लोग अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, ईश्वर उन नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। मतलब भगवान उन लोगों को अधिक प्यार करेगा जो लामजहब है, जिनका कोई मजहब नहीं है, और जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं, ईश्वर उनको प्यार करेगा। और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा शरत्व कायम नहीं रहेगा। तुम मुझे मानो या न मानो, मुझे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। ये भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं ईश्वर हूँ, मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम मुझे ईश्वर मानोगे तभी मैं ईश्वर रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। दया करो और मनुष्यत्व को मानो, मतलब मनुष्यता हमारे अंदर लाओ, पशु बनना छोड़ो, यानी मूर्ख मत बनो, पशु मत बनो, और स्वयं क्या बनो, एक अच्छे आदमी बनो, अच्छा आचरण करो। इस प्रकार इस पाठ में बहुत कुछ कहे गए हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और इसी के साथ में पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।